लो गाइस, हर गाड़ियों में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है तो कुछ ना कुछ खामियाँ होती है। चाहे आप कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी ले लें या फिर कोई भी बहुत महंगे सेगमेंट की गाड़ी ले लें, 200 सीसी से लेके 500 हज़ार सीसी तक, उसमें कुछ ना कुछ खामियाँ होती है। तो ऐसी खामियों को लेकर के मैं आया हूँ एक और नए वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि मैं हूँ हरी और स्वागत करता हूँ आपका डीजे डेविल राइडर्स चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो खास होने वाला है, क्योंकि जो ख़राब जो खामियां आई है उस गाड़ी में वो TVS की एंटोर्क है 125 रेस एडिशन, जो कि BS6 हाल ही में बहुत जल्दी लॉन्च हुई थी, और उसमें कुछ खामियां आई हैं जो हम लोग ओनर से बात करके पता चलेगा कि क्या क्या खामियां आई हैं उसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं उनको। तो आइए देखते हैं। आइए वीडियो शुरू करने से पहले एक झलक डालते हैं इस गाड़ी के नज़र पर। तो और बता दूं आपको कि ये गाड़ी को लिए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये 4 ही जुलाई को ली गई है और अभी तक तो 1 महीना भी नहीं हुआ और इसमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसमें ये पहली 125 सेगमेंट की स्कूटी है जिसमें कि LED फ्रंट लाइट और बैक लाइट देखने को मिलता है और इंडिकेटर्स भी LED देखने को मिलते हैं अपने सेगमेंट में। यदि आप 125 सीसी के स्कूटर में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन रह सकता है। और इसे आप रोड पर लेकर निकलते हैं तो लगेगा कि नहीं, ये वैल्यू फॉर मनी स्कूटी है और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे खास फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्लूटूथ से लेकर के, और इसमें 125 रेस एडिशन के साथ में ये स्टंटिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। और ये इन्होंने रोज़ के लिए, हाँ तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए बात करते हैं इसके बारे में और आइए जानते हैं फीचर्स के बारे में। तो आपको इसमें कौन कौन से खास फीचर्स लगे हैं अभी तक? इसमें तो बहुत अच्छा है। हाँ, और मतलब ये चलने में भी अच्छी लग रही है। हाँ, बट 5 दिन के बाद। अब आइए बात करते हैं हम इसके प्रॉब्लम्स में, जो कि ओनर को क्या क्या फेस करने पड़े हैं। तो आइए जानते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और क्या क्या इसमें देखने को मिली है खामियां। आइए जानते हैं उनके ओनर से क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अभी हमको तो प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये सिग्नल नहीं चल रहा है। हाँ, ये देखिए। हाँ, मैंने ऑन किया है बट चालू नहीं हो रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पे सिग्नल ऑन कर दिया गया है। हाँ, और लेकिन ये लाइट नहीं जल रहा है दोस्तों। और दिखा दूँ कि आपको पीछे का जल रहा है पर आगे की लाइट में प्रॉब्लम आ गई है दोस्तों। तो सर्विस भी नहीं हुई है तभी इतना प्रॉब्लम कर रही है। और दूसरी प्रॉब्लम आपको कहाँ लगी? दूसरी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक लाइटिंग दिया होगा वो भी बंद है और ओपन करने के बाद ये लाइटिंग ऑन होता है। ये ऐसे बंद रहता है? नहीं, ओ ये खोलने के बाद ये ऑन हो जाता है, बट वो भी प्रॉब्लम है दोस्तों। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें लाइट नहीं जल रही है, जो ये लाइट है वो खोलने पे जलती है, ऐसे नहीं जलती है दोस्तों। आप देख रहे होंगे ये जब खोलते हैं तो जलती है, ऐसे नहीं जलती है। इसका चार्जिंग भी प्रॉब्लम है, ऑन नहीं। और चार्जिंग का भी इसमें प्रॉब्लम आया है, चार्जिंग का भी इशू कर आ गई है, तो इसमें चार्ज नहीं हो रही है। और ये कितने किलोमीटर चली है? 959। दूसरी प्रॉब्लम ये लगी है कि बहुत सारे वाइब्रेशन कर रहे हैं अभी, और ये 950 किलोमीटर चल चुकी है लेकिन अभी इसकी सर्विस नहीं कर दी गई है। ये आप बताएं कि कितने दिनों के बाद ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उस शोरूम से लाने के? 5 दिन के बाद शोरूम से 5 दिन के बाद लाने के बाद ही लाने। तो ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं TVS एंटोर्क में। वैसे तो ये रेस एडिशन है BS6 में, ये BS4 में भी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे वाइब्रेशंस को लेके ही, और ये BS6 में भी फेस करने पड़ रहे हैं। शोरूम वालों ने इन्हें कहा था कि ये बोलेंगे फ़ोन करके लेकिन अभी तक कॉल आया नहीं है दोस्तों। और इसमें थोड़ा इसको चालू करके दिखा देंगे। आपको मैं इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ दोस्तों। तो यही सब प्रॉब्लम माइनर से आ रहे हैं,
और ये आप देख रहे हैं बहुत इधर पे ज़्यादा वाइब्रेशन तो अभी देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन आप कितने किलोमीटर तक जब जाते हैं यहाँ पे तो कितने किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है वाइब्रेशन? ये 40 किलोमीटर पे यहाँ पे जब आ जाती है तो 40 किलोमीटर पे यहाँ पे अपने आप वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं। ये पूरा ये जो वाइब्रेट करने लगता है और ये वाइब्रेशन का इशू आ रहा है। अभी फर्स्ट सर्विस इसकी हुई नहीं है, 959 किलोमीटर चली हुई है और अभी तक कोई फॉल्ट नहीं आया है। पहले तो आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप BS6 की कोई भी गाड़ी लिए हैं या वो बाइक हो या वो स्कूटी हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टाइम टू टाइम उसका सर्विसिंग करवाते रहने। तो इसके FI में प्रॉब्लम आ गया तो आपको 5000 से लेकर 6000 तक का पटका लग सकता है। और इसमें बात करूँ तो बहुत सारे सिस्टम को बदल दिया गया, जैसे बहुत सारे अच्छे सेंसर डाल दिए गए हैं। और ये थोड़ा भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम देती है तो आपको डायरेक्ट जाके शोरूम में बात करना चाहिए और इसका सोल्यूशन करवाना चाहिए, इसका सलाह दूंगा मैं दोस्तों। और दूसरी बात बता दूं आपको कि TVS बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि बहुत सारे अपने BS6 गाड़ियों में बदलाव करके लाई है। जैसे कि अपाची से लेकर के ये TVS एंटोर्क की बात कर लें तो इसमें ही बहुत सारे खास फीचर्स के साथ आई है और ये बहुत सारे अट्रैक्ट करती है लुक, और ये सब कुछ परफॉर्मेंस में भी बहुत ही बढ़िया है। और ये इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका सोल्यूशन करवाएँ और जाके एक बार शोरूम पर ज़रूर गाइड करें। हाँ तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करने पड़े हैं। और अगर आपके पास भी TVS एंटोर्क BS6 में है और प्रॉब्लम आ रही है तो बताना, कमेंट में लिखना ज़रूर। और हो सकता है इसमें फर्स्ट सर्विस के बाद ये अच्छी हो जाए, इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व हो जाए। और ये इसमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप गाड़ी लेना चाहते हैं एंटोर्क, तो ये ख़राब गाड़ी नहीं है, अच्छी है, बस ये इसमें सर्विसिंग नहीं हुई है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो थैंक यू दोस्तों जो इन्हें अच्छे लगे हैं। और ये बोल रहे हैं कि पाँच दिन के बाद ही शुरुआत हो गए थे ये इसमें जो वाइब्रेशंस थे और ये प्रॉब्लम्स के, और इंडिकेटर नहीं जल रहा है, साइड इंडिकेटर जब ये आगे का फ्रंट का जलाते हैं तो और पीछे का चलता है दोस्तों। तो अगर आप में भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और TVS की तरफ से कोई आप देख रहे हैं तो ये बताना कि ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद जहांगीर भाई का जिन्होंने हमें अपना वीडियो शूट करने के लिए गाड़ी लाया और एक कहने पे लेके आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जहांगीर भाई।